नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। सरोजनी नगर से खबर है, जहां राजधानी लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा की विधायिका एवं बाल पुष्ट आहार एवं कल्याण व स्वतंत्र प्रभार मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कटने पर उनके सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। राज्य मंत्री स्वाति सिंह के आवास पर दिन बुधवार को सुबह सैकड़ों महिलाओं का समूह जाकर सरकार के इस फैसले पर अपना आक्रोश जताया और जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का कहना है कि हमें हमारे क्षेत्र में दोबारा विधायिका के रूप में स्वाति दीदी को ही देखना है। वहीं 170 विधानसभा सरोजनी नगर के मीडिया प्रभारी संतोष उपाध्याय भी भावुक नजर आए। उनसे बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि यह फैसला गलत लिया गया है, इससे बीजेपी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सरोजनी नगर विधानसभा में अब सपा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि सरकार जनता के प्रिय लोगों की चहेती मंत्री स्वाति सिंह को क्या पद देती है और क्या इस चर्चा में कुछ फेर बदल कर सकते हैं। मैंने भी कल देखा टीवी में, मैंने बताया आप लोगों को शुरुआत में ही कि जब मैं 17 साल की थी क्लास 12 में, तब मैंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया था। मेरी आत्मा है भारतीय जनता पार्टी, मेरे एक एक रोल में भारतीय जनता पार्टी, मैं यही रहूंगी, यही मरूंगी। संदेश कैसे देंगी पब्लिक के बीच जाकर आप, क्योंकि ये चुनौती है। अभी चुनाव प्रचार डोर टू डोर जाके कर रहे हैं, रैलियां तो हो नहीं रही हैं, पार्टी के लिए कैसे और काम करेंगे अब आप? संदेश देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना जरूरी है। कोई पदाधिकारी जो नए प्रत्याशी दिए गए हैं, उन्होंने आपसे संपर्क किया या उनसे आपकी कोई बात हुई, कैसे कैंपेनिंग कर रही है? नए प्रत्याशी तो कल ही आए हैं भाई, क्यों नहीं देखिए हमसे पार्टी। वो भी बलिया से ही है, आप भी बलिया से, तो पहले कुछ हम भारतीय हैं ये, यहाँ के अलावा बलिया के, लखनऊ के, ऐसा कुछ नहीं होता। कहीं और से टिकट मिल सकता है आपको? कहीं और से टिकट अगर यहाँ से नहीं तो कुछ तो मुझे लगता है संगठन के लिए आप लोग छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। संगठन जो जिम्मेदारी भविष्य में देगी उस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करूंगी, पूरी ईमानदारी। पार्टी का कैंपेनिंग कर रही थी, भविष्य में भी करती हूँ। आपको उम्मीद थी कि आपको इस बात मिलेगा? मैंने कहा पार्टी का कैंपेनिंग कर रही थी, भविष्य में भी करती रहूंगी। जब मुझसे ये पूछा जाता था कि यहाँ पर प्रत्याशी कौन रहेगा, तो मैं कहती थी कमल का फूल रहेगा। कमल का फूल है प्रत्याशी, स्वाति जी इतना एक्टिव, और कमल का फूल ही जीत कर आएगा। स्वाति जी इतना एक्टिव नहीं है आप, और आपने तमाम काम भी किए, तो मंत्रियों के टिकट भी कम कटे हैं। ऐसे में आपका टिकट कट जाना इतना एक्टिव होने के बाद, आपको क्या लगता है वजह इसकी? वही सरोजनी नगर विधानसभा की बात करें तो पूर्व मंत्री जो स्वाति सिंह है उनका टिकट काट दिया गया, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो माननीय स्वाति सिंह जी की कोई उम्मीद ही नहीं थी कि टिकट कटे, क्योंकि उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत काम किया, रोजगार दिया, रोजगार के बहुत से मौके मुहैया कराया। टाटा कंपनी से मिलकर उन्होंने मशीनें दी और यहाँ तक कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया। और जैसा कि आपने देखा होगा क्षेत्र में बहुत सारी महिलाओं का बड़ी से बड़ी रैली का प्रदर्शन भी हुआ, और विपक्षियों की अपेक्षा तो उनको उम्मीद नहीं थी कि टिकट कटेगा, लेकिन टिकट चूँकि भारतीय जनता पार्टी का आदेश हुआ कि नहीं टिकट किसी और को दिया जाए, शायद हो सकता है कि क्षेत्रीय दावेदारों को देखते हुए उन्होंने एक नया चेहरा उतारा, और उस नए चेहरे को उतारने पर भी जो है क्षेत्रीय जो महिलाएं हैं जो खास तौर से जुड़ी हुई हैं उनसे, और वो पूरी तरह नाराज हैं। और जैसा कि अभी उनके निवास स्थान पर बहुत सारी महिलाएं बड़ी मात्रा में अभी भीड़ प्रदर्शन हो रहा है, माननीय स्वतंत्र सिंह भी पहुंच रहे हैं अभी मौके पर, तो इस पर भी चर्चा हो रही है। जिस तरह से आपका कहना है कि तमाम तरह के विकास इन 5 साल के कार्यकाल में किए गए, तो क्या लगता है आखिर क्या वजह रही कि एक नए चेहरे को सरोजनी नगर की कमान संभालने को भारतीय जनता पार्टी ने दिया? ये भारतीय जनता पार्टी का हाई कमान का जो भी आपस में बैठकर विचार किए होंगे कि हाँ इसको उतारा जाए, ये लोग आप चूँकि दावेदारी बहुत थी सोनभद्र क्षेत्र से, कुछ राजनाथ सिंह के थ्रू तो दावेदारी थी, कुछ माननीय स्वाति सिंह, दया शंकर जी भी दावेदार थे, तो इसको देखते हुए चूँकि एरिया के लोग संतुष्ट नहीं थे किसी भी दावेदार से, शायद सूत्रों के हवाले से, इस वजह से हो सकता है कि जो है नया चेहरा उतारा गया हो। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है सरोजनी नगर की जो जनता है, खास तौर पे जो चुनावी समीकरण है सरोजनी नगर का, जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं अपने बीच का जो प्रत्याशी होता है उसे ज़्यादा मतदान करने को कहती है, लेकिन फिलहाल इस बार एक नया चेहरा है, तो क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा इस बार चुनाव का? बहुत फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ी बात की जो पहले से माननीय स्वाति सिंह ने जो काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, विशेष रूप से महिलाएं बहुत खुल के आई संगठन